मंत्री श्याम सिंह राणा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में कहा कि पराली के मामले में लापरवाही बरतने पर 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। लगातार पराली जलाने के मामलों को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है और आज कृषि विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई प्रदेश भर में की है, जिसमें 24 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा है बातचीत करने के लिए, सीधे उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सर, एक बड़ी कार्रवाई आज की गई है, एक बड़ा मैसेज जो है पराली जलाने के मामलों के खिलाफ आज प्रदेश भर में कृषि विभाग के द्वारा दिया गया है। देखिए, इसमें सरकार सख्त है, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, ये इस वजह से कार्रवाई होती है ताकि पराली ना जलाई जाए। लेकिन खेती बाड़ी जो कृषि जो हमारी खेती है वो खुले आसमान में है, इंडोर तो खेती कुछ थोड़ी बहुत ही हो सकती है, लेकिन सारे खुले आसमान में है। इस वजह से प्रकृति प्रकोप भी झेलने पड़ते हैं। अब दुनिया में कितनी फ्लड आए, कोई रोक तो नहीं पाया, ना सरकार रोक पाई ना सुप्रीम कोर्ट रोक पाए। इसी तरह से जब प्रकृति प्रकोप आता है तो वो बेबस हो जाते हैं। खेती जैसे हमारा सिस्टम है, पराली खेत में से धान कटेगा, फिर पराली की पैकिंग होगी, फिर वो लोड होगी, फिर वो फैक्ट्री में जाएगी, बिकेगी। इस तरह से ये सारे काम जो हैं प्रकृति पे आधारित हैं। अगर मौसम साफ रहेगा तो किसान आसानी से कर लेता है, फिर कोई शिकायत नहीं आएगी। जब प्रकृति प्रकोप आएगा, बारिश आ जाएगी, खेत गिल्ला हो जाएगा और उस वजह से वो काम ब्लॉक हो जाता है। किसान को एक मजबूरी है उसकी, उसने अपने समय पे फसल भी बोनी होती है, एक फसल कट गई दूसरी उसके उसने उसको के लिए तैयार करना, उसकी देरी ना हो उसमें, इस वजह से वो मजबूरी में कोई फैसले लेता है। मजबूरी का फैसला कभी ठीक नहीं होता, वो फिर उस कानूनी दायरे में फंस जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है सरकार किस कई तरह की चीज़ें कर रही है, जैसे मशीनें कई सब्सिडाइज रेट्स पे दी जा रही हैं खाद बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रही है, किसानों को पर एकड़ के हिसाब से पैसा भी दिया जा रहा है कि किसान पराली न जलाएं, तो इस तरह की चीज़ें की जा रही, फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई कमी रह रही है, कोई मैसेज नीचे तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसीलिए पराली जलाने के मामले अब भी सामने आ रहे हैं? नहीं मैडम, देखिए एक बात समझो आप, एक एक गाँव के अंदर 1200 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ में आग लगी और 1200 में तो नहीं लगी, वो ठीक हो गया, लेकिन 2 एकड़ का भी बिल्ला खड़े हो गया। ये कोई 60% थोड़ी जलाते हैं किसान, वो कोई एक 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 दो एक दो किसान बड़ी मुश्किल से, जो लेट हो जाता है, जो किसी वजह से खेत गिल्ला उसको उसमें वो फैसला ले लेता है। ये सारे किसान नहीं करते, ये तो अब जलाया तो वो पराली जली तो बिल्ला खड़ा हो गया। आप लोग उस चीज़ को प्रैक्टिकल देख नहीं पाते, आप तो ये कहेंगे पराली में आग लगी, सारे देश में लगी, कहाँ लगी सारे देश में, वो तो 1-2 एकड़ में लगी। 1-2 एकड़ में लगने से सिस्टम में आ गए, वो लाइट में आ गए, वो उस पर कार्रवाई, वो किसान कानूनी कार्रवाई में फंस गया। और जो अधिकारी, हजारों किसानों का अधिकारी है, वो एक किसान की वजह से सस्पेंड हो गया। दिल्ली में NCR में ग्रैब टू लागू हो गया है आज से, और इसका ठीकरा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो पंजाब और हरियाणा पर, पंजाब और हरियाणा के किसानों पर फोड़ती है कि भाई पराली जला रहे हैं, उससे जो AQI लेवल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हरियाणा में भी 14 शहरों का जो AQI लेवल है वो डेंजर जोन में है। नहीं, वो तो मानते हैं, जैसे खेत है, खेत में पराली आग लगी, वहाँ का भी वातावरण ख़राब होता है, किसान भी इसी वातावरण में आ जाएगा। हम नहीं चाहते सरकार भी, किसान भी प्रदूषित वातावरण में रहे, उसके बच्चे रहें, उसका गांव रहे, साफ सुथरा रहे, इसके लिए प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन दिल्ली की सरकार जो है, पंजाब में भी उसकी सरकार है और दिल्ली में उनकी सरकार है, अब देखिए 28 नाले जमुना में समा गए गंदे पानी के, वो उनको तो देख नहीं रहे, वहाँ से भी पोल्यूशन फैलता है, ये उसको कंट्रोल करना चाहिए। हरियाणा सरकार तो लगी हुई है, करेगी, लेकिन ज़्यादा तो आप आम आदमी पार्टी की सरकार का रोल रहेगा इसमें, पंजाब से, दिल्ली से, वो इसको भी कंट्रोल करे तो वातावरण सुधरने में प्रयास करे वो। एक आखिरी सवाल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो किसानों के पक्ष में नहीं है, लगातार किसानों पर जो मामले दर्ज हो रहे हैं वो बात जो है वो कहीं ना कहीं उठा रहे हैं, मीडिया में भी लगातार हमने देखे कई बयान उनके सामने आए। देखिए, चुनाव आया था अभी विधानसभा का, किसान लीडर उसकी स्टेज पर बैठे थे, व्यापारी भी बैठे थे, सेलर वाले भी थे, उन्होंने तो ये कोशिश की भी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए और इनकी सरकार ना बने, वो एक पॉलिटिकल मैटर था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रूट लेवल पे कार्यकर्ता, देश के जनता, गरीब जनता जो है, उस वजह से आप देखते हैं अभी सरकार फिर बन गई। हुड्डा साहब तो इस बात से नाराज हैं भी बीजेपी की सरकार बन गई, पॉल्यूशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। आने वाले समय में आपका क्या रोड मैप है, क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए आप और करेंगे कि इस तरह के मामले ना हो, और क्या बेटरमेंट के लिए चीज़ें होंगी? देखिए, हम तो किसान भाइयों से हाथ जोड़ के बेनती ये भी करते हैं, उनको ये भी समझाते हैं, मैं खुद किसान हूँ,